गन्ने लगाने की तरकीब में हम चेंज कर रहे हैं इस साल, और ये 2 फीट बाय 2 फीट का गड्ढा जो आपको अभी नज़र आ रहा है, जो 1.5 से 2 फीट गहरा है, इसके 4 कोने पे 4 जड़ गांठ लगाई जाएगी, और ईच गांठ में से टारगेटेड है कि कम से कम 8 से 12 शूट्स उसमें से निकलेंगे। और ये जो 2 फीट का गैप बीच में आप देख रहे हैं, इसमें आदमी खड़े रह सकता है, लैटरल्स को सही कर सकता है, और ये जो 2 फीट बाय 2 फीट के अंदर 40 से 60 जो शूट्स उसके निकलेंगे गन्ने के, उसको उसे बांधते हुए आएगा। जितना गन्ने सीधा खड़ा रहेगा, जितना उसको बांध करके स्ट्रेट रहेगा, उतनी उसकी मोटाई भी बढ़ेगी, उसकी हाइट भी बढ़ेगी। हमारा टारगेट है कि इस 2 बाय 2 के 4 गांठ में से 8 से 12-15 शूट्स निकले, उसकी हाइट 20-22 फीट तक के जाए, ईच गन्ने का वजन 3 से 4 किलो के बीच में आए। अगर 3.5 किलो का या 3 किलो का भी एवरेज हमने पकड़ा और 60 गांठ पकड़ी, तो पूरे एकड़ के अंदर 100 से 150 टन का उत्पादन शुगर केन का एक एकड़ में से हो सकता। हमारा टारगेट इस साल नेचुरल फार्मिंग में सिर्फ 100 टन का है, और अगर 100 टन किसान ने, जो नेचुरल फार्मिंग करता है जिसके बहुत ही लिमिटेड सोर्स है, उसने 100 टन निकाला और कारखाने को भी अगर गन्ना बेचा, तो भी उसको 2 से 2.5 लाख रुपए मिलेगा। और अगर उसने उसका फर्टिलाइजर केमिकल लगा के गन्ना लगाया होगा, तो गुड़ में से उसको 5 लाख रुपए मिलेगा, और अगर ऑर्गेनिक उसने गन्ना लगाया और ऑर्गेनिक गुड़ बनाया, तो उसको प्रति एकड़ 10 लाख रुपए मिलेगा। ये रामटेक का एरिया है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसे माइनिंग का एरिया माना जाता है, और यहाँ पे शुगर केन फार्मर्स लगाते नहीं है, सिर्फ ज़्यादातर धान लगाते हैं, राइस लगाते हैं, जिसमें उनकी इनकम बहुत ही कम होती है। तो ये शुगर केन का प्लांटेशन का सिस्टम बदल के, उसकी सीड्स का सिस्टम चेंज करके, प्लांटेशन का सिस्टम चेंज करके, ये एक ट्रायल हम नया करने जा रहे हैं।